गुड इवनिंग गाइस। तो अभी इवनिंग का टाइम है, तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए सो रही थी। तो जस्ट अभी अभी मैं उठी हूँ। अभी हुआ है 4 o'clock और 4 बजे से मेरा इवनिंग का जो थोड़ा बहुत काम होता है, रूटीन होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। पहले मैं सो करके उठने के बाद तुरंत ही अपना बेड को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बेड को ठीक करना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं सबसे पहले बेड को ठीक कर लूँगी। तो अभी बेडरूम जो है वो पूरी तरह से मैंने क्लीन कर ली है, तो काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। तो फिर अभी जितना सारा कपड़े मैंने बाहर ड्राई होने के लिए दे रखा था, वो सब मैं अभी अंदर ले जाऊंगी, क्योंकि अभी ये सब ड्राई हो चुका है। तो कपड़े को लगे हाथ ही मैं फटाफट से फोल्ड करके अपने अपने जगह पे इसको रख दूंगी, नहीं तो ये बाद में करने का भी मन नहीं करता है। मैं वैसे भी कपड़े को लगे हाथ बाहर से लेकर आने के बाद तुरंत बाद ही इसको फोल्ड करके अपने अपने जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी में दिखाया है, क्योंकि ये 10 मिनट तो मुझे लग ही चुका था, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा स्पीडली दिखाया है। तो अभी टाइम है पौधे पे पानी देना। इवनिंग टाइम पे मैं पौधे पे पानी दे देती हूँ, और रोज़ देना नहीं पड़ता है। अगर मैं आज दूंगी तो कल नहीं दूंगी, नेक्स्ट डे दूंगी, तो इस तरीके से मैं पानी देती हूँ। तो आज है उसी दिन, पानी देने का दिन ही है, तो मैंने पौधे पे पानी भी दे दिया है। अभी मैं करूँगी बर्तन को अरेंज। ये सब लंच और ब्रेकफास्ट का बर्तन है, जिसको मैंने धो करके ड्राई होने के लिए दे रखा था। तो अभी बर्तन जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, तो ये मैं अभी अरेंज करके रख दूँगी। मैं इवनिंग टाइम पे भी ये सब करती हूँ, बर्तनों को अरेंज करना, कपड़े को अरेंज करना, या फिर थोड़े बहुत काम जो होता है वो सब मैं इवनिंग टाइम पर ही करती हूँ।
तो मैंने अभी बर्तनों को अरेंज कर दिए है। तो अभी किचन जो है वो बहुत ही मतलब क्लटर फ्री लग रहा है। बर्तन जो ऊपर था तो उन सबको मैंने अपने अपने जगह पे रखने के बाद, तो बाहर देखिए थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो चुका है, तो मैं अभी इस टाइम पे कर्टन्स को भी खींच लूँगी। तो अभी इवनिंग का पूरा काम हो चुका है, तो मैं अभी जाऊंगी और थोड़ा सा फ्रेश होंगी और फ्रेश होने के बाद पूजा कर लूंगी, फिर चाय बनाएंगे हस्बैंड आने के बाद। इवनिंग टाइम पे भी मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। दिन भर में दो बार तो स्किन केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो बेसिक होता है। अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं या फिर मेरे से जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी स्किन को केयर करती हूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बना कर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये बन गया है हम लोगों के इवनिंग का चाय, और चाय के साथ ये नाश्ता है। इसको हम लोग पीठा बोलते हैं, तेल पीठा, और वो मिठाई है स्वीट्स। तो चलिए गाइस, इसी के साथ साथ वीडियो को भी ख़त्म करने का टाइम हो गया है। और देखिए अभी थोड़ा थोड़ा मतलब अंधेरा हो चुका है, तो इवनिंग का मेरा रूटीन यहाँ तक ही रहता है रोज़, और यही मेरा इवनिंग का रूटीन होता है रोज़। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय।